Hello friends, the topic for today's video is digital marketing. In our last video, हमने देखा था कि digital marketing होती क्या है और digital marketing हम कैसे कर सकते हैं वो मैं इस video में बताने वाली हूँ. देखिए digital marketing जैसे मैंने आपको last video में बताया था is a long term process. तो इसमें long term process में कुछ छोटे छोटे points हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं और जिनको हम utilize कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेगुलर अपडेट्स. आपको अपने बिजनेस के रेगुलर अपडेट्स देने हैं. रेगुलर अपडेट्स आप कहीं पर भी दे सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, और आप गूगल के थ्रू जो वेबसाइट बनाते हैं उसके ऊपर. तो रेगुलर अपडेट्स एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके बिजनेस के लिए, जो आप डिजिटली सभी के साथ शेयर करते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है. एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का. फेसबुक के ऊपर आपने एक पेज बनाया, उस पेज को आपने शेयर किया. जब आपने पब्लिकली एक अपने पेज को शेयर किया तो आगे आपके जो नोन पीपल हैं, नोन पर्सन हैं, वो भी आगे उसको शेयर करेंगे. तो अगर आपके नोन लोग मिनिमम 50 हैं तो आगे जब वो आगे उसे शेयर करेंगे, 50 के 50 लोग शेयर नहीं करेंगे, एटलीस्ट 4 या 5 लोग भी शेयर करते हैं, तो आगे उनके 50-50 मेंबर्स जब उन्हें देखेंगे तो उनके माइंड के अंदर आपकी कंपनी का एक नेम जो है कहीं ना कहीं बार बार फ्लैश होगा. दैट इज अ पॉइंट फॉर रेगुलर अपडेट. अगर आप रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे तो हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन उनके माइंड में आपका नेम जो है फ्लैश होगा. वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ओकेजनली किसी ओकेजन के ऊपर आप अपडेट्स देना चाहते हैं, या आप रेगुलरली या वीकली बेसिस पे देना चाहते हैं, या आप मंथली बेसिस पे कुछ अपने अपडेट्स देना चाहते हैं. अपडेट्स में क्या होता है, अपडेट्स में आपकी हर चीज़ होती है, जैसे कि आपने क्या फंक्शंस किए, आपने क्या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने क्या न्यू सर्विस लॉन्च की, आपने किस तरह के वर्क्स किए. अगर किसी भी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन आप अपने यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो रेगुलर अपडेट्स में आ जाती है. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज गूगल मैप. कुछ लोगों को मालूम है लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए इस पॉइंट को मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि गूगल जो है, गूगल के जो मैप्स हैं, वहाँ पर आप एक ऐड योर प्लेस में जाकर आप अपनी एक प्लेस ऐड कर सकते हैं. यानी कि जैसे सपोज मैं एक न्यू एरिया में गई हूँ, जैसे मैं दिल्ली के किसी जनकपुरी एरिया में रह रही हूँ, और जनकपुरी में मैं जानना चाहती हूँ कि जनकपुरी के अंदर कितने पेट शॉप्स हैं, तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन ये होगा कि मैं गूगल मैप्स में जाऊंगी और वहाँ पे मैं क्लिक करके ये देखने की कोशिश करूंगी कि हाउ मेनी पेट मीन्स पेट शॉप्स इन जनकपुरी. तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे कुछ रिजल्ट्स शो होंगे. वो रिजल्ट्स उन्हीं के होंगे जिन्होंने गूगल मैप के ऊपर रजिस्टर करके अपनी एक स्मॉल सी वेबसाइट बनाई होगी, या इवन वेबसाइट नहीं भी बनाई है वहाँ पर, जो कि फ्री अवेलेबल है. तो एटलीस्ट उन्हें आप मैं उन्हें देख पाऊंगी और उनकी शॉप का नेम, उनके जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं ले पाऊंगी. वेबसाइट जो मैं आपसे यहाँ पे बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, गूगल मैप की वेबसाइट, वो भी आप इसी, जब आप गूगल मैप्स पे रजिस्टर करते हैं तो वहीं पर एक छोटी सी वेबसाइट आपको प्रोवाइड की जाती है गूगल की तरफ से, जो कि टोटली फ्री होती है और जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा और अच्छा साधन है आज की डेट में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है. तो गूगल मैप्स पे आप अपनी एक स्मॉल सी वेबसाइट बना सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत हेल्प करने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया पैट शॉप्स इन जनकपुर. यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रेगुलर अपडेट्स का, दैट इज वीडियो मेकिंग. वीडियो मेकिंग जो कि आप यूट्यूब का एक स्मॉल सा चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब पे एक बहुत सिंपल चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं जहां पर अपने रेगुलर अपडेट्स आप वीडियोस में
क्रिएट करके आप अपने अपडेट्स को डाल सकते हैं। यही अपडेट्स आप अपनी वेबसाइट या फेसबुक पेजेस पर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आप अपना जो भी मटेरियल है उसे आप वर्बली लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं या वो पढ़ने के साथ साथ देख भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑनलाइन मैगजीन एंड एड। ऑनलाइन मैगजीन एंड एड्स क्या है? दैट इज कि आप कुछ ऑनलाइन मैगजीन्स जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उनके ऊपर आप अपनी एड्स दे सकते हैं, अपने आर्टिकल्स दे सकते हैं, और इवन अगर आप चाहें तो गूगल एड्स पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप गूगल एड्स पे रजिस्टर करेंगे तो ये आपको फ्री नहीं है, इसमें आपको पर क्लिक आपको $1 और $2 के आसपास आपको पेमेंट देनी होगी। उसका एक अलग प्रोसीजर है और एक अलग उसका बिल्कुल एक कैंपेन आपको उसमें रन करना पड़ता है, जिसको मैं पूरी तरह से तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक बहुत बेस्ट टूल है अगर आप थोड़ा भी अमाउंट खर्च करना चाहते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। और इसका सबसे अच्छा रोल ये है कि आप इसे किसी भी टाइम कैंपेन को बंद कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि आज मैंने सुबह ही कैंपेन चलाया, शाम तक चला और उसके बाद मुझे अभी ये शाम को बंद करना, आप उसी दिन इसे क्लोज कर सकते हैं, यानी कि वन डे पेमेंट्स आप दे के इसे क्लोज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में इसके चार्जेस जो है निकल जाते हैं। अगर एक क्लिक में उन्हें $1 पे करना पड़ गया लेकिन उनके $100 का एक प्रोडक्ट बिक गया, तो उनके लिए ये कॉस्ट मायने नहीं रखती। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड टूल। ऑनलाइन मैगजीन में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप एड्स दे सकते हैं, इसी तरह से आप आर्टिकल्स दे सकते हैं, जो कि आप न्यूज़ अपडेट्स की कोई वेबसाइट्स हों, जो लोग न्यूज़ अपडेट्स देते हैं वो भी आपके किसी आर्टिकल को शेयर कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि हमने कोई आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में छपवा लिया और उस आर्टिकल को आपने अपनी फेसबुक पर शेयर कर दिया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से वही आर्टिकल आप न्यूज़ अपडेट्स अगर कोई कंपनी है जो देती हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो आपके अपडेट्स को शेयर करें, वो पब्लिकली बहुत बहुत आपको हेल्प कर सकता है। सो फ्रेंड्स, दीज आर माई पॉइंट्स। और भी बहुत सारे पॉइंट्स डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ हमने वेबसाइट की लास्ट पार्ट में बात की थी कि वेबसाइट क्यों नहीं वर्क करती है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट को एनहेंस करते हैं, उसकी कंटेंट्स को प्रॉपरली एनहेंस करते हैं और उसमें कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं, कीवर्ड्स क्रिएट करने के लिए अपना एक क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो आपकी वेबसाइट भी आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। और अगर आपके पास ये टूल्स हैं तो इन टूल्स को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट के थ्रू काम कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।